जय यीशु, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे मार इवानियुस का दर्शन पोस्ट कोविड चर्च सिनारियों के संबंध में बोलने का अवसर दिया। सिरो-मलंकरा कैथलिक कलीसिया के संस्थापक और प्रथम आर्चबिशप मार इवानियुस का जन्म 21 सितंबर 1882 को मवेलिकरा केरल में हुआ। मार इवानियुस 1913 से लेकर 1919 तक कलकत्ता के सेरमपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किए। वह अपना जीवन प्रभु की सेवकाई के लिए और समाज के दलितों का उत्थान करने के लिए समर्पण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दिया। कलकत्ता से लौटने के बाद उन्हें केरल में एक जगह मिला जहां पर उन्होंने 15 अगस्त 1919 को बेथनी आश्रम को स्थापित किया और साथ ही साथ अनाथों के लिए घर भी शुरू किए। वह मलंकरा सीरियन कलीसिया में एक डीकन और याजक के रूप में काम कर चुके थे। फिर 1 मई 1925 को उन्हें बिशप के रूप में नियुक्त किया गया। मार इवानियुस का दर्शन था कि मलंकरा सिरियन कलीसिया एक पवित्र कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने लगभग 4 सालों तक अथक प्रयास किया और फिर रोम में पोप पायस 11 से मिलने का अवसर मिला और उन्हें स्वीकृति भी मिल गया। उसके बाद 11 जून 1932 को सीरो मलंकरा कैथलिक कलीसिया पूर्ण रूप से स्थापित किया गया। उसके बाद मार इवानियुस ने मिशनरियों को देश के कई भागों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजे। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हर एक जगह लॉकडाउन लगाया गया है। सभी समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस महामारी के दौरान कितनों ने अपनों को खोया और कितने परिवार अभी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। विश्वासियों के फीडबैक से ये संकेत मिलता है कि इस महामारी के दौरान उनका विश्वास और उनकी आत्मिकता में कमी नहीं आई, क्योंकि इस समय हर एक परिवार चर्च में तब्दील हो गया है। लोग चिंताओं को छोड़ के प्रार्थना में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रभु का वचन पहला पेत्रुस 5:7 में इस प्रकार कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। मार इवानियुस का दर्शन था कि अनाथ, पीड़ित, बेघर और जरूरतमंदों की सेवा करना और प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपना पूरा दिन सेवकाई में लोगों को चंगाई करने में और वचन सुनाने में व्यतीत करते थे और रात में एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे, ठीक उसी प्रकार मार इवानिस ने अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पण कर दिया। इसलिए उनके समर्पण, प्रार्थना और उनके दर्शन के द्वारा सीरो मलंकरा कैथलिक कलीसिया देश के कई भागों में फैल रही है और हर एक परिस्थिति में स्थिर खड़ी है। मार इवानियुस का जीवन हमारे लिए सच में एक महान उदाहरण है। इसलिए आइए हम भी अपना जीवन प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें और प्रभु का सुसमाचार और उनका प्रेम लोगों तक पहुंचाएं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।